ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशी और आप देख रहे हैं वॉन्ट टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम क्या है कि जब मंडे मार्केट ओपन होगा तो उसकी दिशा जानने की कोशिश करेंगे। तो आज क्या करेंगे, हम ऑप्शन चेन एनालिसिस के द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे कि मंडे मार्केट किस तरफ जा सकता है। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो हम हर रोज हर दिन लेते आते हैं और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अब हम आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस के पेज ऊपर। आप देख लीजिए जो प्रीवियस निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस था वो कितना था, 11,823। मतलब जो प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस है वो, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कहीं 11,800 और 11,850 के बीच में खड़े हुए हैं। तो आप पहले हम क्या है कि ये पुट साइड है और ये कॉल साइड है, तो हम पहले पुट साइड से सपोर्ट तलाशने की कोशिश करेंगे और कॉल साइड से रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या है कि हम सेलर की ओर से सोचते हैं, क्योंकि क्या है कि ये मार्केट में मीन्स कि ये ऑप्शन चेन और फ्यूचर में जो सेलर है वो सबसे ज़्यादा रिस्क लेता है, इसलिए हम सेलर की ओर से सोचेंगे। तो देख लीजिए आपको सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ मिलेगा, जो आपको सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है वो है 11,800 पे, और उसमें भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देख लीजिए उसमें भी सबसे ज़्यादा वहाँ है, कितना है, 1,98,000। मतलब ऐसा सोच सकते हैं जो उसका हमारा प्राइमरी सपोर्ट है वो कहाँ है, 11,800। बाद में हम दूसरे लेवल भी देखेंगे, देख लीजिए 11,900 है, वहाँ क्या है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मीन्स के उसकी पुट की अनवाइंडिंग हुई है, जहाँ ये लेवल कमजोर पड़ रहा है। बाद में जो दूसरा सपोर्ट मेरे को दिख रहा है वो क्या है कि 11,700 है, जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है उसमें देख लीजिए 1,69,000 की चेंज इन ओपन इंटरेस्ट रखी हुई है। और बात नोट कीजिए कि 11,500 से सबसे ज़्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, मतलब ये जो पुट सेलर को ऐसा लग रहा है कि मार्केट और भी डाउन जाएगा, इसीलिए वो क्या है कि पिछले लेवल पे अपना सपोर्ट ले रहे हैं। अब हम कॉल साइड की ओर देखेंगे और रेजिस्टेंस तलाशने की कोशिश करेंगे। आप कॉल साइड देख लीजिए, ये व्हाइट वाला ही पोर्शन हम इसमें यूज़ करेंगे। आप कॉल साइड देख लीजिए सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ है, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है इधर देख लीजिए, कौन से लेवल पे, 11,900 के लेवल पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, और वहीं पे भी आपको चेंज इन ओआई भी सबसे ज़्यादा दिखेगा 11,00,000। और दूसरा जो हमारा रेजिस्टेंस निकलता है वो क्या क्या कहाँ है, इधर देख लीजिए 12,000 पे, उसके बाद ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी वहाँ सबसे ज़्यादा है। मतलब हम 12,000 लेवल तक नहीं जाएंगे, अभी तो हम जो पहला प्राइमरी हम रेजिस्टेंस देखते वो कहाँ है, 11,900 के बीच। क्या है कि ये जो पहले 11,900 का लेवल तोड़ेगा बाद में 12,000 की हो जाएगा, ये ऑप्शन चेन एनालिसिस से हमें ये पता चलता है। अगर हमें एक ब्रैकेट बनाना हो मार्केट कौन से लेवल के बीच में रहेगा, तो हमें क्या बनाऊंगा, 11,900 से लेके 11,800 के बीच में लेवल बनाऊंगा, और 11,800 का लेवल टूटता है तो मैं फिर 11,700 की ओर जाऊंगा। क्योंकि क्या है कि 11,800 का लेवल क्या है कि 11,823 से नज़दीक है, इसीलिए ज़्यादा संभावना है कि 11,800 का लेवल टूटे और बाद में 11,700 की ओर जाने की कोशिश करें। क्योंकि क्या है, इधर देख लीजिए आप कॉल साइड ऐसा सोच रहे हैं कि ये लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये 11,900 से ऊपर जाने ही वाली नहीं है मार्केट, इसलिए हमें ब्रैकेट बनाना हो तो 11,900 से 11,800, और तब जब 11,800 का लेवल टूटे तब 11,700 को हम सपोर्ट की ओर देखेंगे। चलिए, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ऐसे स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो हम हर रोज आते रहते हैं। अगर किसी स्टॉक के बारे में आपको क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, हम उस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।